नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज तारीख है 30 अप्रैल, यानी अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है और मई प्रारंभ होने वाला है, जिसके प्रारंभ में यानी कि 8 मई को ही हमारा BPSC एग्ज़ाम है, यानी कि बस 7 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो तैयारी तो चल ही रही है सबकी, मेरी भी चल रही है, बस रिविज़न ही चल रहा है और अच्छे से रिविज़न करना है हम सभी को, सजग होके तत्पर होके, तो बस लगे रहिए अपनी तैयारी में। तो ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट। आधुनिक बिहार मुझे कंप्लीट करना है आज, और बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल कूद व सिनेमा, इन सब का रिवीजन करना है। इकोनॉमी जो बिहार के प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसे मुझे कंप्लीट करना है, और आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मुझे कवर कर लेने हैं। इसके बाद अगर समय बच जाएगा तो मैं बिहार विशेष करंट अफेयर 6 महीने के कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ मैं आज इसे। अभी मैं आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रही थी, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसमें मैं पहुंच चुकी हूँ, स्वराज पार्टी के गठन तक पहुंच चुकी हूँ, तो लगभग 1 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कितनी साफ सड़क है, मतलब पूरी तरह से साफ किया हुआ है, लेकिन ये सड़क किनारे देखिए, ये गंदगी फेंकने की आदत लोगों की जाती नहीं है यार। यही ऐसे मत किया करो यार, अपनी गंदगी ना अपने साथ लेके जाओ, डस्टबिन का जो व्यवस्था किया हुआ उसमें डालो भाई। ये सड़क हमारी भी तो है, तुम्हारी भी है भाई, ये सब गलत बात है। बस यही है, अपना कचरा अपने साथ ले चलो, अपना देश है भाई, सुंदर बना के रखो, स्वच्छ बना के रखो। आज के सारे टॉपिक लगभग मेरे कवर हो ही जाएंगे, और कुछ कुछ बचे हुए हैं, 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो उसे मैं थोड़ी देर में, मतलब रात का खाना खाने के बाद कंप्लीट कर लूँगी। बाकी मैं सोच रही थी कि 1 मई से 7 मई के बीच का जो समय है उसमें मैं BPSC के लिए कैसे रिवीजन को, मतलब प्रिपेयर करूँ, कैसे रूटीन तैयार करूँ कि मेरे सिलेबस के सारे टॉपिक लगभग 2 से 3 बार कवर हो जाएँ, एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो तो कवर हो ही जाए। तो उसके लिए आज रूटीन बनाना है मुझे कि कौन सा टॉपिक किस दिन कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस दिन कवर करना है, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जाऊंगी आज लगभग, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी उसे। तो आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो मदद करे कि कैसे आप लोग इन 7 दिनों में रिवीजन को बांट सकते हो, इस पूरे दिन को, इस 7 दिनों को सेक्शन वाइज बांट के अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो। तो ये था मेरा 30 अप्रैल यानी अप्रैल के अंतिम दिन का पूरा रूटीन, आज मैंने क्या क्या पढ़ाई की ये सारा कुछ मैंने आप सभी से शेयर किया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी और एक नए टू डू लिस्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।